देखिए बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। कांग्रेस के विधायक मुंह में काली पट्टी बांधकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल बुधवार को पटना में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, उस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। तो इसके विरोध में जो है कांग्रेस के विधायक आज मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम, बिल्कुल हाँ, हम लोग मुंह पे पट्टी बांध करके प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी विपक्षी होते हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए पुलिस का डंडा इस्तेमाल करते हैं, जो कि लोकतंत्र में कहीं उचित नहीं, एक आपराधिक मामला है। कल पुलिस रोकने की कोशिश की, कार्यकर्ता आगे बढ़ गए तब वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ तब लाठी। नहीं नहीं, तो आप किसी पुलिस पे कोई कार्रवाई करते हैं? किसी अधिकारी का कोई कंप्लेन होता है तो आप उस पर कार्रवाई करते हैं? बेरोजगारों के रोजगार के लिए आप कोई कार्रवाई करते हैं? तो जो जन सरोकार का मुद्दा है उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। किसी पुलिस अधिकारी को आप सस्पेंड नहीं करते हैं, किसी अधिकारी को भ्रष्टाचार का आरोप है उस पर उसको सस्पेंड नहीं करते हैं। और कोई यदि पार्टी जनता की आवाज को उठाता है, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे कम्युनिस्ट के हों, वो सब पे लाठी बरसाते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग विरोध करते हैं उस पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो और भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। तो देखिए, जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बिगड़ती कानून व्यवस्था, नीट परीक्षा दोबारा कराने, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मांग को लेकर जो है पटना में प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान जो है लाठी चार्ज हुआ है। उसके विरोध में देखिए राजेश राम है कांग्रेस के विधायक, वह मुंह में काली पट्टी बांध के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। शकील अहमद खान जो विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, वो भी पहुंच गए हैं। शकील साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। शकील खान यहां पर है, कैमरा पर्सन विशाल से कहेंगे आपको तस्वीरें दिखाएं। शकील साहब जो हैं, देखिए बैनर पोस्टर लेकर आए हैं, देखिए बैनर पोस्टर लेकर आए हैं, लिखा है लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कल की जो यूथ कांग्रेस पे डंडे बरसाए गए और जिस तरह का व्यवहार किया गया है, यह व्यवहार बहुत ही अमानवीय है। इसकी भर्त्सना करते हैं, पूरे बिहार में अपराधीकरण बढ़ा है, पुलिसिया राज है और सरकारी दमन चारों तरफ है, उन सब के खिलाफ हम आज प्रतिकार और प्रतिशोध कर रहे हैं। देखिए ये भी जो है काली पट्टी लेकर आए हैं, तो कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष की आवाज जो है दबाने की कोशिश बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है, पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को जरूर पीटा जाता है। तो और इन लोगों का ये भी कहना है कि सदन में भी इस मसले को ये लोग उठाएंगे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP News पटना।